स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट का सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सब मिला के सिर्फ 3 एप्लीकेशन है और मैं तीनों पर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी। बोर्ड एग्जाम में अगर क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया तो इसी 3 में से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। समझ लेते हैं हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसे 2 तरीके से बताते हैं। पहला, अगर ट्राइंगल के 2 एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं, अगर ये ए, ये बी, ये सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। आप बच्चे क्या पढ़ रखे हैं पहले से, आप बच्चे पढ़ रखे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहां बेस की बात करूं तो बेस का नाम है बीसी, लेंथ बीसी। अगर हाइट की बात करूं तो ये ए बी, अगर ये फोर्स है, ये थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। हाइट का नाम है ए एन और इस बेस का नाम है बी सी। क्या मैं बी सी को ए का मैग्नीट्यूड बोल दूं और ए एन को, ए एन को, ए एन ये बी है, ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, ए एन बी साइन थीटा हो जाएगा। मैंने इसे बोल दिया बी साइन थीटा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को ही तो बोलते हैं ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा को ही ए क्रॉस बी बोलते हैं और यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये तो तब ना जब तीनों एडजेसेंट साइड्स दिया है, अगर एडजेसेंट साइड्स ना देकर तीनों वर्टेक्स दिया रहे तब क्या करेंगे। अगर तीनों वर्टेक्स ए बी और सी दिया रहे और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी चाहिए, यही फॉर्मूला लगाऊंगी। 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, बी से शुरू होने वाले 2 एडजेसेंट साइड्स बी ए क्रॉस बी सी, बी ए क्रॉस बी सी, या फिर ए से शुरू होने वाला ए बी ए सी, या फिर सी से शुरू होने वाला, सी से शुरू होने वाला सी ए सी बी। यही है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो हम लोग इसी मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करेंगे। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी 2 बात है। पहला, व्हेन एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन। चेक कर लेते हैं, ये है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। उसकी एक साइड ये दी हुई है, वहीं दूसरी साइड ये दी हुई है।
ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्या ये दो ट्रायंगल बन गया और बिल्कुल इसी के जैसा ट्रायंगल, दो साइड दिया हुआ एक तीसरी साइड, तो ट्रायंगल का दो गुना हो जाएगा पैरेललोग्राम। मींस इस एरिया को मैं टू से इनटू कर दूंगी, 1/2 है इसे मैं टू से इनटू कर दूंगी, ये 1/2 जिसे मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को लिख सकती हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था ए क्रॉस बी, इसका मतलब आ गया ए क्रॉस बी, और यही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एरिया तब निकला जब दो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं। डायगोनल की बात कर लूं, डायगोनल कैसे निकलेगा अच्छे से समझिएगा। अगर यही दोनों साइड दिया हुआ है, ये ए ये बी, आप जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है ए प्लस बी, जिसे मैं डायगोनल डी वन करती हूं। अगर मैं दूसरे डायगोनल की बात कर लूं, ऊपर बी है नीचे माइनस बी, ए और माइनस बी से यहां भी मैं एक डायगोनल, ये पैरेललोग्राम बन गया। ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ए माइनस बी हो जाएगा। इसी ए माइनस बी के पैरेलल में मैंने ये ले लिया और ये डायगोनल है हमारा डी टू ए माइनस बी। इसका मतलब अब मैं इसको कंक्लूड कर देती हूं, इसका ये मतलब है, इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो डायरेक्शन है डी वन का वो ए प्लस बी है, वहीं यह जो डायरेक्शन है डी टू का वो ए माइनस बी। तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझाई। अब मैं बताने जा रही हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स डी वन एंड डी टू आर गिवन। ये तब जब डायगोनल्स डी वन एंड डी टू आर गिवन, जब ये दोनों डायगोनल दिया हुआ होगा तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हाफ ऑफ डी वन क्रॉस डी टू। डी वन क्रॉस डी टू का हाफ। अभी दो एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ाई, इसी दोनों से रिलेटेड मैं तीन क्वेश्चन करवाऊंगी, एक इससे जो कि अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक पैरेललोग्राम के इस कॉन्सेप्ट से और दूसरा पैरेललोग्राम के इस कॉन्सेप्ट से। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स दिस वन 1, 1, 2, 2, 3, 5, 1, 5, 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने पढ़ा रखा है आपको, दो एडजेसेंट साइड चाहिए, ए बी ए सी चाहिए, कोई दो एडजेसेंट साइड, आप चाहो तो ए बी और ए सी निकाल लो। ए बी वेक्टर निकालने जा रही हूं, ए सी वेक्टर, बी माइनस ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 2-1 आई कैप, 3-1 टू जे कैप, 5-2 3 के कैप।
मैं एसी वेक्टर की बात करती हूं, एसी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल सी माइनस ए वन माइनस वन फाइव माइनस टू। अब मुझसे इसका क्रॉस चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका है पहले आई जे के, अब ए बी के तीनों कंपोनेंट वन टू थ्री, अब ए सी के तीनों कंपोनेंट जीरो फोर एंड थ्री। मैं बात कर रही हूं आई कैप की। आई कैप, ये आई कैप और ये टू इंटू थ्री सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस जे कैप थ्री माइनस जीरो प्लस के कैप फोर माइनस जीरो माइनस सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप फोर की कैप। ये तो ए बी क्रॉस ए सी आया, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर। छत्तीस नौ पैतालीस और सोलह रूट अंडर सिक्सटी वन। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ रूट सिक्सटी। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है और ये फोर मार्क्स में पूछते हैं। बात चाहे स्टेट बोर्ड की कर लूं या सीबीएसई बोर्ड की कर लूं, क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन के सिंपल क्वेश्चन एंड यूनिक एंड टिपिकल क्वेश्चन वन बाय वन करवाती हूं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज़ एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस। ये है पैरेललोग्राम वेक्टर ए और वेक्टर बी, जहां वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस थ्री के और वेक्टर बी है टू आई माइनस सेवन जे प्लस के। अब मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। इस पैरेललोग्राम का अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आवश्यकता पड़ेगी ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट वन माइनस वन थ्री, वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट टू माइनस सेवन और वन। अब जब ए क्रॉस बी हमें करना होगा तो यहां है आई कैप माइनस वन माइनस माइनस प्लस जे कैप के लिए ऐसा वन वन जा वन माइनस सिक्स, के कैप के लिए माइनस सेवन प्लस टू। ट्वेंटी वन माइनस वन ट्वेंटी आई कैप, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव इंटू माइनस प्लस फाइव माइनस सेवन प्लस टू माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव के कैप।
मैंने बोला इसे वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। पहले मैं 5 कॉमन निकाल लेती हूं, 5 4 जा माइनस के। मैग्नीट्यूड 5 को बाहर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 1 प्लस 1 18, 5 root 18। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? एक सिंपल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, अगर एडजेसेंट साइड दिया है तो ये, और ये तो मेरा आ चुका था 5 root under 18। रूट अंडर 18 को बोलते हैं 3 root 2। इट मींस हमारा आंसर आ गया 15 root 2 स्क्वायर यूनिट। अब आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन सिखाया है आपको। आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने सिखाया। पढ़ते हैं इसको धीरे धीरे। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, एक साइड ये और एक साइड ये दिया हुआ है। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, ये है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। इसमें एक दिया हुआ है वेक्टर ए, वहीं दूसरा दिया हुआ है वेक्टर बी। अब पूछ क्या रहा है फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। तो पहले डायगोनल पूछ रहा है, मैंने बता रखा है ये होता है डी वन, ए वेक्टर है 2i कैप 2j कैप 3k कैप, बी वेक्टर है 2i-4j-5k, बी वेक्टर है 2i कैप 2 into j कैप 3 into k कैप। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब मुझसे डायगोनल डी वन पूछा है, डायगोनल डी वन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, ए प्लस बी होता है, 2 plus 2 4i cap -4 plus 2 -2j cap -5 plus 3 -2k cap। ये हो गया हमारा डी वन। पूछा क्या है, पूछा है टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स, दोनों डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 16 4 20 4 24, जिसे 2 root 6 बोलेंगे। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल डी वन होगा डी वन कैप, डी वन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड डी वन। डी वन वेक्टर दिया है 2 common 2i cap j cap k cap 2 root 6। फाइनल आंसर आएगा 2i cap -j cap -k cap upon root under 6। ये तो एक पार्ट निकला, एक डायगोनल निकला। अभी दूसरे डायगोनल की बात करती हूं, डायगोनल d2 a-b होता है,
अगर मैं इसमें दिखाऊं कि डायगोनल डी टू कौन सा है, तो आप देखेंगे ये डी वन है और ये डी टू डायगोनल है। तो डायगोनल ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी टू माइनस टू जीरो आई कैप, माइनस फोर माइनस टू जे कैप, माइनस फाइव माइनस थ्री एट के कैप। अब ये डी टू है, मैं डी टू को दोबारा से लिख लेती हूं। ये डी टू वेक्टर में मैं कॉमन ले लेती हूं टू माइनस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप। ये डी टू वेक्टर है, मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेती हूं, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव का रूट अंडर फाइव इंटू टू टेन यूनिट। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं पैरेलल टू डायगोनल, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल डी टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू कैप। डी टू कैप किसे बोलेंगे, डी टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड डी टू। डी टू वेक्टर क्या है, डी टू वेक्टर है टू इंटू दिस वन अपॉन टेन, टू फाइव जा टेन। हमारा आंसर आ चुका माइनस ऑफ थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन फाइव। अब मैंने एक पार्ट का आंसर तो निकाल लिया, किस पार्ट का, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। दो डायगोनल थे डी वन एंड डी टू, मैंने डी वन के पैरेलल भी एक वेक्टर निकाल लिया और मैंने डी टू के पैरेलल भी एक वेक्टर निकाल लिया। अब मैं बात करूंगी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी मैं बातचीत कर रही हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ डी वन क्रॉस डी टू। तो मैं पहले डी वन और डी टू को लिख लेती हूं। डी वन यहां है 4i कैप 2j कैप 2k कैप, और d2 वेक्टर है यहां, यहां है d2 वेक्टर 0i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, मींस d1 क्रॉस d2 चाहिए। आई जे के डी वन फोर माइनस टू माइनस टू, डी टू जीरो माइनस सिक्स माइनस एट। आई कैप ये और ये माइनस माइनस टू इंटू माइनस एट, दिस इंटू दिस। जे कैप माइनस बत्तीस माइनस जीरो, के कैप माइनस चौबीस माइनस जीरो, सोलह माइनस बारह माइनस माइनस प्लस माइनस चौबीस के कैप। ये तो डी वन क्रॉस डी टू आ गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो क्या होगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं, वन का स्क्वायर एट का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर, चौसठ छत्तीस सौ प्लस एक। अब मैं लिख लेती हूं फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में क्या लिखा था, यूजिंग डायगोनल वेक्टर्स, डायगोनल वेक्टर्स को यूज करके
मैंने यहां यूज किया d1 क्रॉस d2, दोनों डायगोनल वेक्टर को मैंने यूज किया। d1 क्रॉस d2 का 2, यह 401/2 हमारा आंसर आ गया 2 into root 101 square unit। नीचे आपको नहीं दिख रहा इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूं, 2 into 101 square unit, यही था हमारा पैरेललोग्राम का एरिया। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो दो ही एप्लीकेशन थे, ट्राइंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से, जब एडजेसेंट साइड्स दिया रहे और दूसरा दोनों डायगोनल को यूज करके। अगर डायगोनल यूज करना है तो d1 क्रॉस d2 अपॉन 2 करना होगा, अगर एडजेसेंट साइड्स यूज करना है तो डायरेक्ट a क्रॉस b होगा। इसी तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे। थैंक यू।